नमस्कार, मैं आप सभी के साथ हूँ राजीव झा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का नंबर वन एंड लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय एवं आपकी खबर। भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्य स्तरीय साधारण संपादक राजू बनर्जी की उपस्थिति में सिलीगुड़ी भाजपा की ओर से एक विरोध रैली एसजीडीए की ओर निकाली गई। इस रैली का मुख्य मकसद यह था कि एसजीडीए के जितने भी प्रकल्प हैं उसमें जो घोटाले हुए हैं उसमें संलिप्त तृणमूल नेताओं की गिरफ्तारी अविलंब की जाए। इसी को लेकर के इस महाविरोध रैली का आयोजन किया गया, जो सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला पार्टी कार्यालय से शुरू होकर के सिलीगुड़ी जंक्शन स्थित एसजीडीए भवन तक पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान पार्टी समर्थकों का पुलिस के साथ हल्की सी धक्का मुक्की भी हुई। Thank you.
इस विषय में जानकारी दी सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला अध्यक्ष अभिजीत राय चौधरी ने। एसजेडीए में जो बहुत बड़ा दुर्नीति हुआ है उसके खिलाफ हम लोग का आज का ये आंदोलन है। पिछले 6-7 सालों से हम लोग सुन रहे हैं कि एसजेडीए का जो करप्शन हुआ है उसके खिलाफ व्यवस्था लिया जाएगा, लेकिन सीआईडी हर 3 महीना बाद चार्जशीट के लिए अदालत के पास समय मांगती है। आज तक ना किसी को गिरफ्तार किया है, ना कि 150 करोड़ रुपया जो खर्चा हो गया वो कहाँ पे गया इसका भी कोई जवाब नहीं है। उसका जो पैसा आम जनता का पैसा है, जो जनता का हित में खर्चा होना था वो व्यक्तिगत हित में खर्चा हुआ है। उससे कहीं टीएमसी सीपीएम और कांग्रेस का नेता लोग अपना व्यक्तिगत संपत्ति बना लिया है, उनका वापस देने का दाबी में, और एसजेडीए करप्शन में जितना भी नेता लोग इन्वॉल्व है उन सबका गिरफ्तारी का दाबी में आज हम लोग का यह आंदोलन। एसजेडीए ऑफिस। इसके साथ ही विस्तृत रूप में जानकारी दी राज्य स्तरीय संपादक श्री राजू बनर्जी ने। देखा है एसजेडीए ने जैसा करोड़ रुपया का जो कट मनी को लेके अभी हालांकि में ममता बनर्जी ने कहा है कि बहुत सालों से चल रहा है और इसमें सीपीएम तृणमूल कांग्रेस सब जुट थे, तो उसी को जो कट मनी लिया है वो उसका तदंत हो, ये प्रॉपर इंक्वायरी हो, वो हमारा मांग है। और जहाँ जहाँ कट मनी लिया है ये वापस करो, ये सब लेके पूरा हमारा मांग है, और उसके लिए हम लोग एसजेडीए में आज डेपुटेशन भी दिया है। देखिए आप तो मेरा तो बात नहीं है, गौतम देव ने खुद कहा है, अब जो इको टूरिज्म सेंटर गजल डूबा उधर वो प्रकल्प आने से पहले ही, उधर वो टूरिज्म हब होने से पहले ही वो तृणमूल को नेता लोग को कह दिया कि उधर जमीन खरीद दो, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है और नेचुरली जो होता है जहाँ डेवलपमेंट होता है वहाँ जमीन का दाम ज़्यादा हो जाता है, तो पहले से उन्होंने जमीन खरीद कर रखा है। और वो गौतम देव ऑन प्रेस कह रहे हैं अभी कि दोनों का नाम करके तृणमूल नेता का बहुत सारे जमीन है, उसका जमीन अभी लगेगा, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि कोई नहीं जमीन देगा तो तृणमूल नेता से वो जमीन ले लेंगे, तो ये तो साफ है। हाजी दाबी आपको पास मिल जाएगा, वो पूरा बहुत सारे दाबी है, और हम लोग जो चाहते हैं जो लोग पैसा लिया है उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, जो आम आदमी को पैसा लेके लूट रहा है फुर्ती कर रहा है उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, केवल ऑफिसर लोग को गिरफ्तार करके आईएएस ये हम लोग नहीं चाहते, जनता भी नहीं चाहते। Apollo Clinic expertise closer to you. Apollo Clinic now in Siliguri. Services offered: doctor consultation, all kind of blood test, USG, echocardiography, TMT and PFT including Apollo Dental Clinic.
अपोलो क्लिनिक गोल्डन एनक्लेव नियर डॉन बॉस्को मोर सेवक रोड सेकंड माइल सिलीगुड़ी मोबाइल नंबर 8900293111। तो अब तक के लिए इतना ही। इसी तरह की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप लगातार बने रहिए हमारे साथ यानी एसके लाइव के साथ। आपका समय एवं आपकी खबर। धन्यवाद।